हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक ऑयल एंड गैस सेक्टर की धाकड़ कंपनी बताऊंगा, वेल क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा। इस कंपनी भाई मैं पिछले 5 सालों से SIP कर रहा हूं, तो आप लोग इस कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा। 0 डेट फ्री कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। आने वाले सालों में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकता है। इस कंपनी में भाई आप मंथली भी SIP कर सकते हो, लमसम भी पैसा लगा सकते हो, जो करना है करो, लेकिन इस कंपनी में आप लोग पैसा लगा कर रखो। क्वालिटी कंपनी का भाई शेयर खरीदोगे ना तो आपका पैसा बनेगा ही। कोशिश कीजिए क्वालिटी ही कंपनी में पैसा लगाने का, आलतू फालतू कंपनी भाई पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। आप लोग का भाई पैसा बनाए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन चाहिए भाई तो वेल बटन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं इसका हाफ रिजल्ट देख लेता हूं, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिएगा, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती हैं। और भैया जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती हैं तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और ऐसी ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। तो देखो नेट सेल टर्नओवर सितंबर 17 में था, वो 2175.31 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो भाई 3268.57 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, हाफ ईयरली 2175 से 3268 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है, हाफ ईयरली सितंबर 17 में टोटल इनकम था वो 2218.16 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो भाई 3342.93 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहां पे देख सकते हो भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है, हाफ ईयरली सितंबर 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 558.90 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो भाई 751.10 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाफ ईयरली 558 से 751 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है, हाफ ईयरली सितंबर 17 में जो एबिटा था वो 601.75 था सितंबर 17 में, 601.75 था, और सितंबर 19 में देख लो 825.46 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है, हाफ ईयरली 601 से 825 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैं जितनी तारीखों फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर भी इसका शानदार है, हाफ ईयरली सितंबर 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर था वो 330.13 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो भाई 599.34 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर है, हाफ ईयरली 330 से 599 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है, हाफ ईयरली सितंबर 17 में जो पैट था वो 330.13 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 599.34 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका हाफ रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैं जितनी तारीखों फ्रेंड वो कम ही होगा, आप लोग ने खुद देखा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप हाफ रिजल्ट देख रहे थे भाई। तो देखो नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 3680.99 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 5764.84 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, ईयर टू ईयर वाइज 3680 से 5764 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है, ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में टोटल इनकम था वो 3715.53 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 5910.99 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है, ईयर टू ईयर वाइज 3715 से 5910 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम
ये टीयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहां पे देख सकते हो भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। ईयर टीयर वाइज मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 793.04 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1256.98 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टीयर वाइज, 793 से 1256 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज, मार्च 15 में जो एबिटा था वो 827.58 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1403.13 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टीयर वाइज, 827 से 1403 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टीयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो भाई तो आपका पैसा बनेगा ही, तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा। जीरो डेट फ्री कंपनी है इस कंपनी भाई, आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। तो पहले आप अपने पोर्टफोलियो में सेफ कंपनी को जगह दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज, मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 437.73 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 786.67 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है ईयर टू ईयर वाइज, 437 से 786 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज, मार्च 15 में जो पैट था वो 437.73 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 786.67 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ। आप अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो भैया आप सभी लोग को पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना ही चाहिए। खरीद के रख लीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी। आईजीएल का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इस कंपनी का भाई जो बिजनेस है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। दो सरकारी कंपनी भाई इसके प्रमोटर हैं, BPCL और गेल। तो कभी भाई प्रमोटर तरफ से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा। मैं खुद ही भाई इस कंपनी में पिछले 5 सालों से SIP करता हूँ, तो आप लोग भी इस कंपनी में SIP कीजिए। बढ़िया कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो ना तो आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही। इस कंपनी पे मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, 220 रुपये से मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ, और मैं हर हफ्ते लगभग इस कंपनी वीडियो बनाता ही हूँ। क्यों मैं बनाता हूँ भाई? क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, जीरो डेट फ्री कंपनी है। इस कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा। तो पहले आप अपने पोर्टफोलियो में सेफ कंपनी को जगह दीजिए। 50-60% भाई साल में कहीं नहीं गया है, और यही सब कंपनी में आप पैसा लगा के 20-25 सालों में करोड़पति अरबपति बन सकते हो। मोनोपोली बिजनेस से खरीद के रख लीजिए, जितना चाहो उतना पैसा लगा सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे अडानी ग्रीन के बारे में। तो देखो भाई मैं अडानी ग्रुप को ही नहीं ट्रैक करता हूँ। अगर आपको अडानी ग्रुप की कंपनी में पैसा लगाना है तो आप लोग अडानी गैस में पैसा लगा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अडानी गैस का भी सेम बिजनेस है भाई IGL के तरह ही, इसलिए मुझे अडानी गैस पसंद है। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ। जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कॉन्टैक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। आईजीएल अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करके दिया है भाई, और आने वाले 10 सालों में इससे ज़्यादा ही रिटर्न बना के देगा ऐसा भाई मुझे लगता है। तो देखो 10 साल में टर्न है वो 970.44% है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा टर्न माना जाएगा 10 साल में। सेंसेक्स का टर्न है वो 136.45% है 3 साल में। देख लो भाई 3 साल में IGL ने बहुत ही अच्छा टर्न बना के दिया है, देख सकते हो 132.74% है। सेंसेक्स का टर्न है 55.09% है। 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में 56.64% है। सेंसेक्स का टर्न है 13.90% है। तो आपने देखा 10 साल में 970% रन था और 1 ईयर में मात्र 56% रन है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म में पैसा बहुत ही कम बनता है। कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का अगर आपको करोड़पति अरबपति बनना है तो। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में -0.62% रन है। सेंसेक्स का रन है 0.09% रन है। 1 मंथ में देख लो भाई,
वन मंथ में 2.91% आने, सेंसेक्स वाला ने 1.23% आने, वन वीक में देख लो भाई, वन वीक में -1.21% आने, सेंसेक्स वाला ने -0.40% आने, वन डे में देख लो भाई, वन डे में -0.32% आने, सेंसेक्स वाला ने 0.10% आने। तो भैया आप अपने पोर्टफोलियो में आईजीएल को जगह दो, क्वालिटी कंपनी है, 50-60% भाई साल में कहीं नहीं गया आपका आईजीएल का। अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखो भाई, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 45% का होल्डिंग है, इसमें से भाई बीपीसीएल का जो होल्डिंग है 22.5% होल्डिंग है, और गेल का भी 22.5% होल्डिंग है। दोनों को भाई प्लस करोगे तो 45% हो जाएगा। एफआईएस के पास जो होल्डिंग है आईजीएल में 23.83% होल्डिंग है। आने वाले समय में इस कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है भाई। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है आईजीएल में 7.13% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है आईजीएल में 8.69% होल्डिंग है। अदर डीए पर जो होल्डिंग है आईजीएल में 5.06% होल्डिंग है। नॉन इंश्योर इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है आईजीएल में 10% होल्डिंग है। कोई भी शेयर आईजीएल का भाई प्लेज नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एलआईसी के पास जो होल्डिंग है आईजीएल में वो 7% होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है आईजीएल में 5% होल्डिंग है। एक बात ही बताना चाहता हूँ भाई, आज से 4-5 साल पहले इस कंपनी का मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा था, तो भैया उस समय ना एफआईएस कंपनी पैसा लगाया करते थे, ना म्यूचुअल फंड, ना इंश्योरेंस। लेकिन आज देख लो, सभी ने पैसे लगा के रखे हैं। तो आप लोग पैसा लगाइए, क्वालिटी कंपनी है, इनका भाई धंधा बंद नहीं होने वाला है, ये मोनोपोली बिजनेस है। वैल्यूएशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आईजीएल का। पी रेशियो आईजीएल का 29.30 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू आईजीएल का 6.32 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड देख लो भाई 0.56% का है। तो भैया ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। आरओसी रेट देख सकते हो 47.01% का है, जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है। आरओई देख लो 22.60% का है। तो भैया मुझे इसका डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो भाई। वैल्यूएशन देख लो भाई, वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। तो भैया ये स्टॉक आज से 3 साल पहले ही महंगा था, 2 साल पहले ही महंगा था, 1 साल पहले ही महंगा था, आज भी महंगा है, आने वाले सालों में महंगा ही रहेगा, सस्ता नहीं होने वाला है। आईजीएल का अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा वो 94 से 162 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा, जो कि कभी भी नहीं आने वाला है। क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ आईजीएल का, गुड बता रहा है भाई। सेल्स ग्रो जो 5 ईयर का है आईजीएल का वो 10.54% का है। एबिट को जो 5 ईयर का है वो 10.36% का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई आईजीएल ने अब तक किस टाइप रिटर्न बना के दिया है। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 970% रिटर्न है, 5 साल में 371% रिटर्न है, 3 साल में 132% रिटर्न है, 1 ईयर में 56% रिटर्न है। तो देख सकते हो भाई कंपनी लगातार रिटर्न बना के दे रही है। तो आप सभी लोग इस कंपनी में पैसा लगा के रखो। मैं खुद भी भाई इस कंपनी में पिछले 5 सालों से एसआईपी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ भाई? क्योंकि ये क्वालिटी कंपनी है, मुझे पता है इस कंपनी मेरा पैसा कभी भी नहीं डूबेगा और रिटर्न तो बनेगा ही। जब ये छोटी कंपनी थी ना भाई, तब से मैं पैसे लगा रहा हूँ। आईजीएल का 52 वीक हाई है वो 438.55 रुपया, 52 वीक लो है 257.50 रुपया। आईजीएल का मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है। आने वाले समय में इस कंपनी का मार्केट कैप भाई 50,000 करोड़ का भी होगा, 1 लाख करोड़ का भी होगा, 2 लाख करोड़ का भी होगा, 5 लाख करोड़ का भी होगा। तो आप लोग अभी से पैसा लगा कर रखिए, जीरो डेट फ्री कंपनी है। आईजीएल का पी जो है भाई वो 29.09 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 41.56 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले आईजीएल का पी कम है। बुक वैल्यू जो है आईजीएल का 59 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो 14.61 का अर्निंग पर शेयर है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो भाई 0.56% का डिविडेंड यील्ड है। तो भैया ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, फेस वैल्यू 2 का है। तो भैया आप सभी लोग अपने पोर्टफोलियो में आईजीएल को जगह दो, जीरो डेट फ्री कंपनी है, नंबर वन कंपनी है। यही सब कंपनी में आप पैसा लगा के 20-25 सालों में करोड़पति अरबपति बन सकते हो। और सबसे बड़ी बात भाई, आईजीएल में आपका पैसा सेफ रहेगा। तो पहले आप अपने पोर्टफोलियो में सेफ कंपनी को जगह दीजिए। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भेजना, बेल बटन प्रेस नहीं करे भाई, तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।